देख सकते हैं जो खदानें होती कोल इंडिया की वो किस तरह से वर्क करती हैं। ये पूरा साइड देख सकते हैं, पूरा रात का नज़ारा पूरा। ये आपका वो भी, ये नाइट का व्यू आपका। ये CHP खदान का बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, आपको खदान का, ठीक है ना, आप खदान का ये बेहतरीन नज़ारा मिलेगा खदान को देखने का आपका। और बेसिकली खदान में देखा जाए तो आपको सियार, भालू, ये बेसिकली आपको मिल जाते हैं देखने को, तो थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ता है, खासकर मानी सदार की जो पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है उनके लिए, कि घूमना खदान में सही नहीं होता है, क्योंकि अंधेरा होता है, आसपास कुछ नहीं होता है। सीबी एक डंपर होती है, चार पांच डंपर होगी, एक सावेल या एक पेलोडर या ट्रैक लाइन, बाकी पूरा सुनसान रहता है, सपाचट, मानो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, रिस्क की जॉब है ना। ये अंधेरा है, ये पूरा देखता, पूरी पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, पूरी सल्टस के पीछे पूरी पहाड़ियाँ हैं, जंगल है ना, तो अनसेफ तो रहता ही थोड़ा बहुत, देख सकते हैं पूरा सुनसान है। ये खदान का है, ये 8 मिलियन की जो परियोजना है उसकी ये कंडीशन है। और अभी बेसिकली मैंने वीडियो बनाया था एक खदान की व्यू दिखाने के लिए आपको। और भर्तियों का ये है कि आती रहती भर्तियाँ आएगी, नो डाउट भर्तियाँ आना ही आना है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा था कि न्यू पोस्ट आपको जो देखने मिलेगी भर्तियाँ, जो ऑपरेटर ग्रुप की हो, चाहे आपकी फिटर या इलेक्ट्रिशियन ग्रुप की हो, ये आपको अभी नहीं मिलेगी, सब चुनाव के बाद मिलेगी, ठीक है, मतलब आपका अगस्त के आसपास देखने को मिलेगी। ऑपरेटर की तो आपको बेसिकली अगर आना भी है तो उनके पास बहुत पोस्टें खाली, क्योंकि अभी कार्यगत देखा जाए तो मैं एनसल की बात करूँ तो लगभग 12,500 कर्मचारी हैं, 19,000 की फुलफिल रिक्वायरमेंट है अभी, है ना, तो लगभग पोस्टें बहुत खाली हैं, 6,500 पोस्टें खाली फ़िलहाल में अभी, तो इतनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, तो सब भर्ती आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, अगस्त में ही बम्पर भर्ती आने वाली हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, कुलरी में जिसे आप ये देखते हैं बार-बार, इस तरह के जो बर्न जो बने होते हैं, बेसिकली डंपर का जो पहिया होता है उसी साइज का होता है, इसमें बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, है ना। अभी हमारे बहुत से ऑपरेटर ने जो नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, माई सुधार ने ज्वाइन कर लिया है, सबका हो चुका है, 6 मंथ्स अभी कंप्लीट होने वाले हैं, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाएगी सभी की। जैसे वो डंपर आपका देखिएगा, और उस तरफ ओ भी चल रही है आपकी, और मैंने बता दिया, और रिक्वायरमेंट वही होगी जो पिछली बार थी, पेपर वही होगा जो पिछली बार था, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम वही वही पोस्ट होगी, और पोस्ट भी सेम लगभग उसी तरह से आएगी, 350 के आसपास, और 100 नंबर का ही पेपर होगा। ट्रैक लाइन के लिए थोड़ा सा 50 नंबर का इंक्रीमेंट किया जाता है ना, उसके थोड़ा अलग से ITI मांगा जाता है, तो उसके लिए अलग इस बार ट्रैक लाइन भर्ती भी आएगी, ठीक है, लेकिन आपको अभी नहीं मिलेगी दिवाली के बाद। ये आपका चल रहा OB, वही गाड़ी दिख रही है आपको, OB की गाड़ी, वो आ रही है ना गाड़ी, ये OB की गाड़ी है आपकी, ये आपको मैं बड़ा कर दिखाता हूँ, ये OB की गाड़ी है आपकी, है ना, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ भी सैलरी सेम ही होती है, लगभग 40,000 के आसपास सैलरी यहाँ भी दी जाती है, और NCL में भी 40,000 के आसपास दी जाती है ट्रेनिंग तक, ठीक है। तो आप भर्ती के लिए तैयार रहें, आपको देखेगी, हाँ हाँ।